हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। 8.3.3 का वीडियो है ये। शुरू करें, मेन अकाउंट से वीडियो है। इसमें हम जो बॉस फाइट करने वाले हैं वो है नल के साथ में। लोकल नोड क्या है एंटर करके बता देता हूँ। टीम में ये लेके जाने वाला हूँ। ओके तो गाइज, एंटर कर चुका हूँ मैं कंटेस्ट में एंड क्वेस्ट में। जो पाथ लेने वाला हूँ वो है डॉक्टर ऑक्टोपस वाला, जिसमें लोकल नोड क्या होने वाले हैं। वेपन नोड, देखो वेपन नोड को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें हैवी मारना होगा, नॉकडाउन करना होगा। जब नॉकडाउन होगा तो हमें एक और हैवी मारना होगा, लेकिन डिफेंडर जो है वो कॉर्नर पे होना चाहिए। मतलब एक कॉर्नर पे होना चाहिए डिफेंडर। जब इसका वेपन नोड डीएक्टिवेट होगा, हम अगर एक और हैवी मार देंगे तब तो वेपन नोड इसका कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे ऊपर आर्मर ब्रेक होगा और अगर हमें ब्लॉक भी किया अटैक, और अगर हम स्ट्राइक, हमको हिट भी पड़ी या हमने हिट रिसीव्ड किया या हमने ब्लॉक भी किया ना डिफेंडर का अटैक, तो हमें पॉइजन मिलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इस क्वेस्ट में इस पाथ के लिए पॉइजन इम्यून चैंपियन लेके आना। एंड गाइज, एक और चीज़, जब वेपन नोड कूल डाउन पे होगा ना, तो अगर हम रेलिक यूज़ करेंगे तो 2000% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा तब, जब वेपन नोड कूल डाउन पे होगा। और जब भी डिफेंडर स्पेशल यूज़ करेगा तो हमें हील ब्लॉक हो जाएगा, हमारा आर्मर ब्रेक होगा। मतलब यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ मैं पॉइजन इम्यून चैंपियन ही लेके आओ, देख लो, क्योंकि आगे जाके मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप पॉइजन इम्यून चैंपियन नहीं लाते हो आपके साथ क्या होने वाला है वो भी बताऊँगा मैं। तो देखो, वेपन नोड इसके ऊपर लगा है, हैवी मारो, नॉकडाउन करोगे तो वेपन नोड कूल डाउन पे चला जाएगा। कूल डाउन होते होते आगने अगर आपने रैलिक यूज़ किया, 2000% एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे पहले मैं बॉस के नोड बता देता हूँ। देखो, 50% मिनिमम पावर कंज्यूम होगा इसका जब भी ये स्पेशल मारेगा। एंड अगर हम इसका प्यूरीफाई करते हैं कोई भी डिबफ, तो हमारे को डीजनरेशन मिलेगा। लिम्बर लगा हुआ है इस पर, और बार भाई यहाँ पे क्या है, व्हेन द अटैकर ब्लॉक्स अ हिट फ्रॉम द, अगर हम इसका स्पेशल को ब्लॉक करते हैं तो हमें फ्यूरी मिलेगा। और जब हम इससे दूर जाएंगे, ट्रू डैमेज, पावर गेन बफ और अनब्लॉकेबल इसकी जो एबिलिटीज़ है ना नल की, वो पॉज पे चले जाएगी। मतलब हमें इसके पास ही रहना है। और मतलब कि बॉस बार बार अपना स्पेशल्स को स्पैम कर सकता है। ठीक है, फाइट को शुरू करते हैं। वेपन नोड डीएक्टिवेट करने के लिए हमें पहले नॉकडाउन करना होगा इसको डिफेंडर को, और वेपन नोड कैप्चर करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा कि एक कॉर्नर में लेके जाना पड़ेगा डिफेंडर को, और फिर वहाँ पे नॉक हैवी फेंकना पड़ेगा ताकि वेपन नोड हमारे ऊपर आ जाए। रिकमेंड करूँगा इस वाले पाथ के लिए पॉइजन इम्यून चैंपियन लाओ, क्योंकि जब सामने वाला भी आपको स्पेशल मारेगा ना, तो आपका आर्मर ब्रेक हो जाएगा, हील ब्लॉक हो जाएगा, और हील ब्लॉक होते होते अगर आपने ब्लॉक भी किया उसका अटैक को, आपको पॉइजन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉइजन इम्यून चैंपियन रिकमेंड करता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे हम वेपन नोड अपने ऊपर लेके आते हैं, तो जो भी फ़ायदे यहाँ पे डिफेंडर को मिलने वाले हैं वेपन नोड से, वही फ़ायदे हमें भी मिलेंगे। जैसे ही हम सामने वाले का आर्मर ब्रेक करेंगे, उससे क्या होगा कि हम जब भी आर्मर ब्रेक करेंगे और जब भी हम इसको हिट करेंगे, इसको पॉइजन पे पॉइजन मिलता चला जाएगा, और बहुत ही तगड़ा रहेगा वो, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि पॉइजन लगेगा तो बंदे को डैमेज होगा एंड बहुत जल्दी मरने का चांस है उसके। यहाँ पे बस मुझे क्या करना है कि स्पेशल टू स्पैम करना है ताकि इसका आर्मर ब्रेक हो एंड हम पॉइजन पे पॉइजन लगा सके। रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉइजन इम्यून चैंपियन लेके आओ यहाँ पे, और जो वो आर्मर ब्रेक करते हैं वही लेके आना। देखो, मैंने यहाँ पे आर्मर ब्रेक किया, पॉइजन पे पॉइजन लगा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो क्या डैमेज पड़ रहा है उसको, तगड़ा तगड़ा। यहाँ पे ये फ़ायदा है यहाँ पे हाइपेरियन लाने का, 6-स्टार वाले का तो बहुत ही क्या है। और मेरा R4 है यार, बहुत ही तगड़ा डैमेज है इसका। अगेन मैंने स्पेशल टू पे पुश कर दिया है इसको, ये फ़ायदा हुआ जो मैंने वेपन नोड इसका कैप्चर किया अपने ऊपर, उससे फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं जो कि डेड बुल के साथ में है, एंड ट्राई करते हैं निमरॉड का। हाँ ओके, ये फाइट है यहाँ पे डेड बुल के साथ। निमरॉड एक म्यूटेंट किलर है, तो हमें यहाँ पे पॉइजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आर्मर ब्रेक की। हमको बस यहाँ पे करना क्या है कि ये देखो, निमरॉड भी पॉइजन इम्यून चैंपियन है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि वेपन नोड से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें वेपन नोड का, फिर से बता रहा हूँ, वेपन नोड अगर डिसेबल करना है पहले तो हमें यहाँ पे सामने वाले को नॉकडाउन करना होगा, और जब नॉकडाउन करेंगे तो 20 सेकंड के अंदर में हमें कैप्चर करना होगा वेपन नोड का। वेपन नोड कैसे कैप्चर करना है, अब ये कॉर्नर हो चुका है, यहाँ पे मुझे हैवी फेंकना है ताकि वेपन नोड जो है हमारे ऊपर आए एंड हमें फ़ायदे मिलने शुरू हो जाए। लेकिन फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि निमरॉड जो है आर्मर ब्रेक नहीं करता है। एंड ये पड़ा यहाँ पे, स्पेशल 3 मारना नहीं चाहता था, लेकिन स्पेशल 3 बन चुका था। अरे यार, मुझे वेपन नोड करना था कैप्चर,
लेकिन मुझे लगता है टाइम गया, टाइम गया, लेकिन कोई नहीं, हम ऐसे ही मार देंगे यार निम्स को। हाँ हम तो ऐसे ही लपेट लेंगे इसको। स्पेशल टू मेरे 10 चार्ज हो चुके हैं, ये हमारा मैंने स्पेशल टू R5 निमरॉड का स्पेशल टू है भाई। एंड ये बड़ा ऐसे वेट किया हमने स्पेशल टू इसका, नॉकडाउन करना है इसका, किया नॉकडाउन। ये दिया मैंने हैवी, कॉर्नर पे रह के हैवी दिया इसका, वेपन नोड अपने ऊपर लाया। एंड अब चलते हैं स्पेशल टू पे और ठोकते हैं इसको स्पेशल टू। एंड मेरे ख्याल से ये एक और स्पेशल टू में मर जाएगा। 5 चार्ज है हमारे पास में एंड ये ख़त्म होने वाला था यार। ये क्या हुआ, मुझे लगा था ये मर जाएगा डेडपूल, लेकिन साला ज़िंदा रह गया यार। मेरे को इसका शौक लगा भाई, और किसी चीज़ का शौक नहीं लगा, मेरे को इसका शौक लगा। ठीक है अभी मर गया यार, मेरे को लगा था एक और स्पेशल टू में मर जाएगा ये। चलो ये फाइट हुई कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। ओके गाइस ये फाइट है गार्डियन के साथ में, लेट्स सी देखते हैं। मैं यहाँ पे वैल्करी को ट्राई करना चाहता हूँ। अरे नहीं यार, मुझे वैल्करी लाने ही नहीं चाहिए थी इस फाइट में, क्योंकि मैं हैवी तो मैं नॉकडाउन तो करने नहीं वाला, मुझे नहीं लानी चाहिए थी यार, मैंने गलती कर दी। यहाँ तो मैं क्विट कर दूंगा, यहाँ तो मैं मर जाऊँगा यार, मैं मरना भाई मरना ही अच्छा है इस फाइट में, क्विट करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। ठीक है कोई नहीं, लेट्स सी देखते हैं। जितना ज़्यादा ब्लॉक करूँगा उतनी बार मेरा आर्मर ब्रेक होगा एंड मुझे लगेगा पॉइजन, तो मुझे लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊँगा आई थिंक। हाँ ये देखो लगा पॉइजन, हाँ मैं ऐसे ही मर जाऊँगा यार। आर्मर ब्रेक इम्यून चैम्पियन लेके आओ यहाँ पे, और अगर पॉइजन इम्यून है वो भी लेके आओ, पॉइजन इम्यून लाओ या तो आर्मर ब्रेक इम्यून लाओ, क्योंकि आर्मर ब्रेक होगा तो पॉइजन भी लगेगा, अगर पॉइजन इम्यून लाओगे तो आर्मर ब्रेक होगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइपरियन बेस्ट रहेगा, निमरॉड बेस्ट रहेगा, वॉरलॉग बेस्ट रहेगा, ये सब चैंपियन लेके आओ यहाँ पे। ये रही वेलकरी की हालत जो कि किसी भी चीज़ से इम्यूनिटी नहीं थी। अब यहाँ पे मैं यार सोच तो रहा था हाइपरियन, पहले ही सोच रहा था मैं हाइपरियन को लाने को, लेकिन ये बंदा क्या करता है ऑटो ब्लॉक करता है, लेकिन अगर मैंने इसका आर्मर ब्रेक कर दिया तो ये ऑटो ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम। हाँ देखो नॉकडाउन तो कर दिया मैंने इसको, अब मुझे इसको कॉर्नर पे लेके जाके एक और हैवी देना होगा, तब जाके मुझे वेपन नोड मिलेगा। ये दिया हमने स्पेशल टू एंड आर्मर ब्रेक डाल दिया, ये दिया मैंने हैवी भी एंड एक और हैवी फेंक दिया मैंने साथ में ही, मेरा स्पेशल टू अगेन रेडी हो चुका है। ओके मैंने इसको पॉइजन लगा दिया है काफ़ी सारे, जो भी वेपन नोड के फ़ायदे इसको मिलने वाले थे अब वो मुझे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइजन पे पॉइजन करके मर गया साला। चलो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। ओके गाइस ये फाइट है नाइट कॉलर के साथ में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा इवेड करता है, एंड ये इवेड करता है तो वो दिक्कत देगा मेरे को। अब मुझे बार बार इसको पैरी करके हैवी फेंकना पड़ेगा, ताकि सारा बार बार से इसको वो मिल जाए, स्लो डीबफ मिल जाए एंड ये बंदा इवेड ना कर सके। गाइस बीच में यार फ़ोन आ गया था एक, तो इसलिए मैंने कट कर दिया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं आपको ज़्यादा कुछ मिसिंग नहीं हुआ है। ये पड़ा यहाँ पे स्पेशल टू का डैमेज, यार बहुत कम डैमेज मिला यार, ये क्या दिक्कत हो गई। अरे नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, बहुत कम डैमेज है यार ये तो। ओ शिट पिट गया पिट गया पिट गया, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा यार इससे। हाँ आई थिंक सो, मुझे लगता है मैं मरूँगा, ये मार देगा मुझे नाइट कॉलर। यही तो दिक्कत थी यहाँ पे भाई, इसी की फाइट की प्रॉब्लम थी मेरे को इस पाथ में, बट कोई नहीं लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पे मारा मैंने एक और स्पेशल टू एंड आई थिंक मैंने इसको स्पेशल थ्री पे एक्टिवेट करवा दिया है। हाँ अब मैं मरूँगा, 62% पे है, आई थिंक मेरे को लाना ही पड़ेगा हाइपीरियन। कोई बात नहीं, रिवाइव लगते तो लगे एंड चलो नेक्स्ट चैम्पियन लाते हैं। मैंने सोचा यार हाइपीरियन की जगह पे क्यों ना निमरॉड को लाए, निमरॉड तो एक म्यूटेंट किलर है ना, हमें बस एक स्पेशल टू स्पैम करना है एंड आई थिंक इसकी आधी से ज़्यादा लाइफ निमरॉड ही खा जाएगा यार एक स्पेशल टू में। बस मुझे क्या करना है कि ध्यान से खेलना है, ताकि ये साला इवेड ना करे एंड हमें दिक्कत ना आए भाई। उसमें 7 चार्ज है मेरे पास में, 7 आर्मर अब भी है एंड इसने छोड़ा अपना ये स्पेशल एंड 8 मेरे पास 6 आर्मर अप्स है, ये दिया मैंने स्पेशल एंड ये पड़ा R5 वाले का डैमेज, पहुंच चुका है 30%। देखो आधी से ज़्यादा लाइफ तो खा ही चुका हूँ मैं इसकी, 62 पे था ये, 26 पे बच गया है, एक और स्पेशल टू एंड इसका गेम ओवर। साला इवेड कर रहा भाई, पैरी भी बड़ी मुश्किल से पकड़ता है बंदा। देखो यहाँ पे मेरे को एक पैरी पकड़ना पड़ेगा ताकि वेपन नोड मेरे ऊपर आए। अरे नहीं यार बंदा रेडी नहीं हो रहा, ये दिया हैवी, एक और हैवी नहीं देना रहा। यहाँ पे पैरी पकड़ना है, ओके मर गया भाई। वेपन नोड जब इसका डिसेबल था वहाँ पे अगर मैं स्ट्राइकर यूज़ करूँ
तो हमारा स्ट्राइकर जो है 2000% अटैक बूस्ट देगा। ये तो मैं भूल ही गया था यार, चलो कोई नहीं। अब फाइट यहाँ पे है कैप्टन अमेरिका के साथ में, तो विल्सन कैम सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के साथ में हाइपरियन का यूज़ करे। यार एक दिक्कत की बात ये है कि ये बंदा ना ऑटो ब्लॉक करता है, लेकिन अगर मैं इसका आर्मर ब्रेक कर दूँ तो क्या करेगा ये, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखो इसका जो वेपन नोड है ना वो है ऑफ। अरे नहीं यार, मैंने वेपन नोड इसका कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्राइकर जो है हमारा 2000% अटैक नहीं देगा। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पेशल 3 स्पैम करने पड़ेंगे काफ़ी सारे, क्योंकि ये साला ऑटो ब्लॉक करता है, समझ नहीं आता भाई मेरे को कैसे कर लेता है। फिलहाल तो यहाँ पे पड़ा स्पेशल 3। ओ भाई मैंने इसको स्पेशल 2 पे एक्टिवेट कर दिया। रप्चर डालेगा भाई, रप्चर डालेगा मुझे लग रहा है, डालेगा। हाँ बच गया, डेक सही मौके पे कर दिया मैंने। ये फेंका मैंने स्पेशल 2, आर्मर ब्रेक हो गया, बढ़िया। पॉइजन लगना शुरू हो गया है, एक और पॉइजन लगाते, 3, 4, 7 पॉइजन लगा चुका हूँ। बढ़िया यार, बढ़िया हो गया। ये दिया इसने स्पेशल 1, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइजन लगा दिए मैंने, एंड इसको अब डैमेज पे डैमेज मिलना शुरू हो जाएगा। 12, 13 पॉइजन लग चुके हैं। नाइस। अरे स्पेशल 2 पे अगेन पहुंच गया है बंदा। ओके, वेट। स्पेशल 2 फेंकने दो इसको। ये किया मैंने बढ़िया वाला डेक्स, एक रफ्तर लग गया लेकिन फिर भी। ओके यहाँ पे हमने स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया। अरे मुझे अब करना चाहिए था स्ट्राइकर का इस्तेमाल, ये मर जाता यार, मैंने पहले ही कर दिया। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं स्पेशल 2 स्पैम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो ब्लॉक कर लेगा ये दुल्ला। एंड ये पड़ा यहाँ पे स्पेशल 3। अरे मर गया, उससे पहले ही मर गया, मेरे को लगा था स्पेशल 3 मार दूंगा कॉम्बो खत्म होने के बाद। ओके नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। ओके तो गाइज ये फाइट है यहाँ पे ब्लैक पैंथर सिविल वॉर के साथ में। यहाँ पे वेपन नोड मैंने डिसेबल कर दिया है, एंड यहाँ पे अरे ये क्या हुआ, फेस में कैसे मार गया भाई मेरे को ये बंदा। अरे ये क्या चक्कर हो गया भाई। ओके अरे भाई फेस खत्म हो गया क्या था मेरा, डैमेज देखा इसने क्या प्रोवाइड किया, एक ही हिट में पूरी 50% हेल्थ ले गया यार ये बंदा। यार फेस खत्म हो गया था क्या मेरा, शायद हो गया होगा, तभी बेटी यार मार, वरना तो नहीं होना था। ओके यहाँ पे वेपन नोड हमने डिसेबल कर दिया है इसका, एंड मैं पहुंच चुका हूँ लगभग स्पेशल 2 पे। अभी यार फेरी नहीं कर सकता मैं। ये फेंका हमने आर्मर ब्रेक, अब यहाँ पे लगेंगे पॉइजन इसको। लग जा भाई, अरे लग गया भाई, 5 पॉइजन लग गए। स्पेशल 2 फेंकने का वेट करते हैं, रुको, वेट करना है इसका स्पेशल हमको। ये किया हमने वेट, ये दिया हमने यहाँ पे स्पेशल 3, 63% पे है, एंड ये पहुँच गया 53 पे लगभग। ओके ये दिया हम, अरे इतना जल्दी मौका कैसे मिला इसको ब्लॉक करने का। ओके ये दिया हमने हैवी, स्पेशल 2 पे आर्मर ब्रेक, आन दे, ये पड़ा स्पेशल 2, ये पड़ा आर्मर ब्रेक, स्टन भी हो गया, पॉइजन भी लगा सकते हैं आराम से अब। ओके 2 पॉइजन लगे बस, अरे यार दिया एक और स्पेशल 2, दिया एक और आर्मर ब्रेक। अब यहाँ पे जितने भी हिट्स मारेंगे हम, हमारे पास 30% चांस रहेंगे पॉइजन लगाने के, एंड मर गया भाई ये, मर गया यार, ख़त्म हो गया ये, पॉइजन लगा के ही मार दिया। ये बढ़िया है यार, हमने वेपन नोड कैप्चर करो, जो भी वेपन नोड के फ़ायदे होने थे उनको वो हमको मिलेंगे। एंड अब है हमारी बॉस फाइट 8.3.3 के साथ, तो चलो फाइट करते हैं। पहली बात तो कंफर्म है कि नल बार बार अपना स्पेशल 1 स्पैम तो ज़रूर करेगा, क्योंकि इसका 50% लेस पावर कंज्यूम होगा, एंड अगर हमने इसके बफ को कोई भी प्योरीफाई किया तो हमें डीजनरेशन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि और क्या था यार, एक और चीज़ थी कि हाँ, इससे जितना दूर रहेंगे इसकी अनस्टॉपेबल एबिलिटी तब तक पॉज रहेगी, मतलब हमें इसके पास ही रहना है। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं यार, कोशिश करते हैं इसको मारने की, मुझे लगता है रिवाइव लग जाएगा यार एक। और हाँ, इसके जब जितने भी स्पेशल हिट को हम ब्लॉक करेंगे हमें फ्यूरी मिलेगा, लेकिन यार मैं कोशिश यही करूँगा कि बार बार इसको स्पेशल 2 पे पुश करूँ, एंड लेट्स ट्राई। अरे नहीं यार, गया मैं गया देखा,
ये मारा हमने स्पेशल टू, ज़्यादा डैमेज तो प्रोवाइड होगा नहीं, मुझे पता था। अरे यार इनवर्स कंट्रोल चल रहे हैं यार, देखो अनब्लॉकेबल हो गया था ये। अरे नहीं फिट गया भाई, 70% है भाई ये बंदा अभी भी जिंदा। ओके अभी भी इनवर्स है यार। नहीं रुको, हो गया ठीक। अबे यार मौका ही नहीं दिया बंदे ने मारने का। ठीक है कोई नहीं, 70% पे है अभी भी ये, कोई बात नहीं। हाइपीरियन को इस्तेमाल करते हैं। कोशिश मेरी हमेशा ये रहेगी कि स्पेशल टू पे पुश करूं, ताकि स्पेशल टू हम आराम से डेक्स कर सकते हैं यार, स्पेशल वन डेक्स नहीं होता भाई। तो स्पेशल टू कोशिश रहेगी कि स्पेशल टू इसका बार बार पुश करूं। एंड हाँ लिम्बर भी तो लगा है यार इस पे, इसको बार बार हम हैवी भी नहीं फेंक सकते यार, एक टाइम पे तो ये पैरी भी नहीं होगा। ओके वो भी तो दिक्कत है। ठीक है कोई नहीं, हमने स्पेशल टू पे पुश किया, ओपनिंग इसने हमको दे दी है मारने की, अब यहाँ पे हम इसको मारेंगे। ये दिया हमने अगेन स्पेशल टू, एंड ये कितने 59% पे है अभी ये भाई, बहुत कम डैमेज मिल रहा है यार बिना फ्यूरी के। ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। हाँ यार इसको पैसिव स्टन डालना पड़ेगा यार, रैलिक यूज करना पड़ेगा मुझे। ओके कर ले स्पेशल टू, मेरा स्पेशल थ्री जा रहा है भाई, जल्दी कर। अरे नहीं मेरे को स्पेशल थ्री पे पुश कर दिया यार बंदे ने, ये मारा मैंने स्पेशल थ्री, कितना परसेंट पे है भाई 55। अरे यार बहुत टाइम लग जाएगा यार इसको मारने में। अरे नहीं यार 52%, अरे नहीं ऐसे नहीं होगा काम। ये दिया हमने एक हैवी, हमें चार फ्यूरी तो मिल गया, थोड़ा बहुत डैमेज अब प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छा वाला। स्पेशल टू वेट करते हैं पहले इसका उसके। अरे नहीं यार इसे मेरे को स्पेशल थ्री पे पुश कर दिया अगेन, गई मेरी फ्यूरीज भी यार, तीन फ्यूरी है मेरे पास टोटल, गई फ्यूरी भी दो, गई फ्यूरी सारी की सारी। अरे नहीं यार 41% पे है, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही सही डैमेज तो प्रोवाइड हो रहा है इसको। ये दिया हमने हैवी, चार फ्यूरी मिल गया है, स्पेशल टू वेस्ट करवाना है इसका पहले, उसके बाद हम स्पेशल मार सकते हैं। छोड़ दिया बढ़िया, छोड़ दिया इसने स्पेशल। ये हमारा मैंने स्पेशल थ्री, 39% से ये पहुंच चुका है 33%। ओके 6% का डैमेज मिला, ठीक है, चार फ्यूरी पे इतना ही डैमेज मिल रहा है क्या। अरे छोड़ दे स्पेशल भाई, यार मेरी फ्यूरी वेस्ट करवा देता है बंदा। ओके मुझे रैलिक का यूज़ करना पड़ेगा एक और हैवी स्पैम करने के लिए। ओके ये किया मैंने रैलिक का यूज़, ये दिया मैंने हैवी, एंड हमें मिली है दो फ्यूरी टोटल दो फ्यूरी मिली है भाई। स्पेशल टू की ओपनिंग दे दी इसने मेरे को, ये दिया डैमेज हमने 23% पे। अरे नहीं पिट गया भाई, अरे शिट यार स्पेशल थ्री पे पहुंच गया बंदा यार। कोई नहीं एक काम करते हैं, हम हरकुलिस को रिवाइव करके लाते हैं एक। हाँ ओके तो गाइज हरकुलिस पे मैंने एक रिवाइव डाला है, एंड लेट्स ट्राई विद, देखते हैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करने का। भाई हो जा मर जा यार, अब तो मर जाना तू। वैसे मैं फोर हिट देके रुक जाऊंगा यार, फोर हिट कॉम्बो देके रुक जाऊंगा इमीडिएटली, ब्लॉक पकड़ लूंगा, मेरे को छोड़ने नहीं देना इसको यार। स्पेशल टू पे पुश कर दूंगा मैं इसको, स्पेशल टू पे पुश कर दिया मैंने, आराम से हम इसको डेक्स कर सकते हैं। एंड हम अरे नहीं यार पिट गया, ये दिया हमने स्पेशल इंटरसेप्ट वन। अरे मर गया यार ये तो, मर गया खत्म है ये। रुको इसका स्पेशल वेट करता हूँ पहले, छोड़ दे स्पेशल भाई। हाँ छोड़ दिया, अरे ये मर गया यार। चलो इसका देहांत हो चुका है, 8.3.3 को अभी हमने कंप्लीट कर दिया, इजीली कंप्लीट कर दिया, एक रिवाइव लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। वरना यार एंटी विनोम था वो भी आसान था, मैंने सोचा यार चलो थोड़ा सा ट्राई करते। 8.3.3 हमने कंप्लीट कर लिया बहुत आसानी से, एंड 8.3.6 भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, जल्दी से लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।